नमस्ते, मेरा नाम ऋषभ है और मैं और अमितेश हमारी टीम चेतक के साथ में पहुंच चुके हैं कोटा। कोटा का नाम लेते ही आपके जहन में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आती हैं, वो कोचिंगों की बिल्डिंग हैं जिनमें भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर्स तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे IIT और जो भी NITs हैं, जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और मेडिकल कॉलेज हैं, उनकी तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर्स खुले हुए हैं। इन कोचिंग सेंटर्स में लाखों लोग यहाँ पे बाहर से पढ़ने आते हैं, कोटा के स्थानीय लोग भी पढ़ते हैं और अरबों का टर्नओवर है कोचिंग सेंटर्स में आए थे। क्या एक बाहर का स्टूडेंट क्या फेस करता है, तो ये सारे लोग हमसे बात करने को तैयार हो गए। अच्छा, लोगों के पास यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास टाइम की इतनी कमी है कि अभी यहाँ पे कम से कम ज़्यादा नहीं तो 30-40 स्टूडेंट्स खड़े थे, लेकिन उन्होंने बोला कि हमें कोचिंग जाना है, खाना खाना है, फिर पढ़ना है, तो वो चले गए। ये कुछ लोग हमसे बात करने के लिए रुक गए, इन्होंने अपनी समस्याएं बतानी थी, तो इनसे हम एक एक करके बात शुरू करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? तन्मय। तन्मय कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के। कौन सी क्लास में है आप? 13 में। 13 मतलब जो लोग 11th 12th करके फिर ड्रॉप लेते हैं, कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे आप? 2 साल हो गए। 2 साल। अच्छा, कैसी क्या है पढ़ाई का माहौल, कैसा है माहौल है, क्यों बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कैसी पढ़ाई होती है, क्या और दूसरी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? देखिए, पढ़ाई का तो अच्छा है, फैकल्टीज अच्छी है, स्टडी मटेरियल अच्छा है, अच्छे से समझाते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बेसिक से ही ख़राब है। अच्छा। नीचे से मतलब क्या है कि हम स्कूल्स में प्रैक्टिकली नहीं पढ़ाते, उसके बाद ऊपर बात है कि टीचर्स जो है स्कूल्स में पढ़ाते हैं, तो क्या है कि हर आदमी का होता है मैं डॉक्टर बन जाऊँ, इंजीनियर बनूँ, IAS बनूँ, जो नहीं निकल पाता वो आखिरी में जाकर चलो मैं टीचर बन जाता हूँ। तो आप समझ सकते हैं क्वालिटी ऑफ फैकल्टी क्या होगी वहाँ पे। अच्छा, स्कूल्स में आप ये ऐसा बता, अच्छा स्कूल्स की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं स्कूल्स में होता कि क्वालिटी ऑफ फैकल्टी क्या होगी, अगर हम वहाँ पे क्वालिटी ऑफ फैकल्टी इंप्रूव कर सके वहाँ पे तो बच्चे यहाँ आएंगे ही नहीं। एंड रेदर हमको एक एजुकेशन सिस्टम वैसे भी चेंज करने की ज़रूरत है, जैसे अभी एक मोदी गवर्नमेंट का जब शुरू में आई थी 2015 के आसपास का डिसीजन है कि अगर 40% से ज़्यादा सीट खाली रहती है तो इंजीनियरिंग कॉलेज का लाइसेंस रद्द कर देंगे। दैट वाज अ गुड डिसीजन। नो डिटेंशन पॉलिसी हटा दी, स्क्रैप कर दी कि बच्चे को आगे फेल नहीं करना है, वो अच्छा डिसीजन है। अभी एक और डिसीजन आ रहा है कि आपको BTech का डिग्री तभी मिलेगा जब GATE क्वालिफाई करोगे। तो बेसिकली हमको ऐसे चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए ताकि स्किलफुल आदमी बाहर निकले, जब डिग्री लेके निकले वो एक मतलब काम करने लायक हो, सिर्फ कागजी कीड़ा नहीं। हम जिस पे ध्यान दे रहे हैं सिर्फ कागजी कीड़े पे, मार्क्स पे ध्यान दे रहे हैं, मतलब यही सब चीज़ों पे रह गया। अच्छा, एक बात बताइए, आप 2 साल से यहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं, हर सैटरडे संडे में यहाँ पे टेस्ट होते हैं, तीन वीक में एक बार टेस्ट होता है, तो जब वो टेस्ट होते हैं उनमें कम नंबर आते हैं, तो क्या सुनने को मिलता है घर से, क्या क्या लगता है फिर क्या कर रहे हैं हम, क्या है इसमें? नहीं, एक बार हम डिप्रेस होते हैं पर घर वाले तो बोलते हैं कि अगले टेस्ट की तैयारी करो। जब मार्क्स कमाते हैं तो आप सोचते ही होंगे कि इतने घंटे पढ़ रहे हैं, मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, मार्क्स कमाते थोड़ा प्रेशर आता है, पर घर वाले बोलते कोई बात नहीं, अगले टेस्ट की तैयारी करो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम देवांश सिंह सोलंकी है। मैं रीवा मध्य प्रदेश से रहने वाला हूँ। अच्छा, सफ़ेद शेर वाला जो शहर है। हाँ हाँ। अच्छा, वो बाग है एक्चुअली है। हाँ। तो अच्छा, ये बताइए कौन सी क्लास में आप? 13th में। हाँ, मैं 13th में हूँ। मैं लास्ट अप्रैल में यहाँ आया हूँ। एक साल मतलब अभी आपको 6 महीने हुए हैं। क्या देखा 6 महीने में? रीवा का एक लड़का जो कोटा कोचिंग करने पहुंचता है एक सपना लेके, अब IIT कोचिंग कर रहे हैं, आके मैं IIT में पहुंचूंगा इस कोचिंग के वास्ते, क्या फील किया आपने रीवा से स्कूल एजुकेशन के बाद में कोटा में आने पे? क्या प्रेशर था, क्या चीज़ें थी, क्या फील किया आपने? कोई भी आदमी आता है रीवा से या कि किसी भी जगह से निकल के आता है, तो उसके सामने बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं कि मैं बड़ा पढ़ के अच्छी IITs में जाके अपने देश को आगे ले जाऊंगा और अपनी फैमिली का नाम बढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ के कितना भी मेहनत करो, कभी कभी तो इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है कि कितना भी मेहनत कर लो तुम, जितना अपना एक्सट्रीम दे दो, लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, तो मोरल बड़ा डाउन हो जाता है कि मुझसे नहीं हो रहा, मैं इतना मेहनत कितना भी मेहनत कर लूँगा लेकिन मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर फैमिली सपोर्टिव है, अगर पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। ये सब जो रॉन्ग आइडियाज़ दिमाग में होते हैं कि एग्ज़ाम्पल सुसाइड वगैरह, ये सब चीज़ें जहन में नहीं आती हैं। क्या आपका शेड्यूल रहता है सुबह जागने से लेकर शाम को सोने तक? मैं अर्ली मॉर्निंग जगने में विश्वास रखता हूँ कि 4 o'clock रूज मेरा होता है, और उसके बाद फिर 2 hours स्टडी, देन लेट बाद उसके बाद कोचिंग का शेड्यूल 7:30 से 1:15 तक कोचिंग का शेड्यूल है। फिर उसके बाद कोचिंग से जाने के बाद मेस गया, और फिर 2 बजे से लेके 8 बजे तक, और फिर 8 से फिर डिनर, फिर उसके बाद 12 बजे तक फिर स्टडी, मतलब 6 घंटे सोते हैं बस? नहीं,
सॉरी कभी कभी जैसे टेस्ट के टाइम में ये शेड्यूल थोड़ा चेंज होता है, मतलब वेरी भी होता है, तो अभी तो मतलब 6 आवर हार्डली सोते हैं। क्या करते हैं मतलब अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए, क्या करते हैं? एक्सरसाइज। क्या एक्सरसाइज करते हैं? मेडिटेशन वगैरह एंड वर्कआउट्स। आपने जो शेड्यूल बताया इसमें तो मेडिटेशन और इसका टाइम ही नहीं है दोस्त। मैंने 8 से 9 का बताया, 8 से जो 9 का बताया उसमें डिनर मुझे हार्डली 15 मिनट्स लगते हैं, उसके बाद जो टाइम बचा उसमें 15 मिनट मैं बात करता था अभी तक, अब तो ठंडी शुरू हो गई तो दिन में एक बार ही होगा, तो 30 मिनट्स जो बचते हैं मैं बस रिमेनिंग उस पर मैं करता हूँ। ऐसे कितने लोग हैं जो 7-7 दिन में एक बार नहाते हैं, है कोई ऐसा? आप 7 दिन में एक बार नहाते हैं? क्या नाम है? विशाल मिश्रा। क्या कौन सी उसमें है क्लास में? 13th में। आप भी ड्रॉप कर रहे हैं, कितने साल से रह रहे हैं कोटा में? 3रा साल है ये आपका? 3रा साल है। अच्छा, 3रा साल है तो प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा, है ना? तो एक पहले आपका रूटीन हमने सुना, लगभग सबका वही रूटीन होगा, 5-6 घंटे की नींद लेना और सारी चीज़ें। क्या आपने प्रेशर फील किया है इन 3 सालों में, और क्या आपके जो कोचिंग वाले थे या फैमिली वाले थे उन्होंने कैसे आपको स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश की है? घर वाले तो मोटिवेट करते रहते हैं कि बेटा ऐसे नहीं करते तो अब हम यहाँ नहीं होंगे तो कहीं और होंगे, बट अपने लाइफ में पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लो तुम, बाकी कहीं भी सेट हो जाओगे। और यहाँ पर भी मोटिवेशन क्लासेस लगती हैं अपनी। अच्छा, कोई ऐसा है जिसके मन में नहीं थी कोटा आने की और उसको घर वालों ने बोला कि नहीं भाई पड़ोसी का बच्चा कोटा में है तो आपको भी जाना पड़ेगा, है कोई ऐसा? है नहीं है। हाँ, वो नहाने के ऊपर यहाँ का पानी बहुत ख़राब रहता है, उससे बाल तुरंत झड़ने लगते हैं, इसलिए नहाना थोड़ा ड्रॉप करना पड़ता है। क्लोरीन ज़्यादा है, पानी में क्लोरीन ज़्यादा है। क्या नाम है? आयरन में हिमांशु शेखर मिश्रा। कौन सी क्लास में? 12th। आप 12th में हैं, कौन सी क्लास से यहाँ पर रह रहे हैं? 11th से। 11th से रह रहे हैं, मतलब अच्छा, यहाँ ऑलमोस्ट सारे लोग 2-2 साल तो कोचिंग कर ही रहे हैं ना? लगभग अधिकतर बच्चे। अच्छा, आप जो छूटे हैं वो सारे 2 साल वाले हैं। अच्छा, 12th क्लास में बोर्ड का भी प्रेशर है आपके ऊपर, ठीक है, फिर JEE का पेपर भी निकालना है, कैसे करोगे इतना सब? अब ये अपने आप मैनेज हो जाता है, कोचिंग वाले भी थोड़ा मदद करते हैं, लेकिन जो है कि मतलब अपने हिसाब से पढ़ना पड़ता है ज़्यादा, मतलब टाइम। कितने घंटे पढ़ते हैं? वैसे तो मैं 7 से 8 घंटे बस पढ़ता हूँ। 7-8 घंटे कोचिंग छोड़ के? कोचिंग के अलावा। कोचिंग कितने घंटे की होती है? कोचिंग 7.5 6 घंटे के करीब की कोचिंग होती है। खाने का क्या हिसाब रहता है? खाने का तो कोटा में तो खाना अच्छा नहीं मिलता है, वैसे हिसाब कुछ बता नहीं सकते आपको। आप कैसा 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 खाना है? कोटा में मेस हैं, लेकिन अब वही है, मेस की कई क्वालिटीज़ हैं। पहली बात तो हाई क्वालिटी, जिनके रेंज हाई होते हैं लगभग 3200-3500, और वो इतना हैवी डाइट देते हैं जिसको खाने के बाद मतलब 1 हफ्ते खाने के बाद आप परेशान हो जाएंगे। और एक होता है कि 2021 वाले मेस होते हैं, उनमें भी घटिया खाना देते हैं, मतलब दाल की पानी ऊपर रहती है। उसके बाद मीडियम कुछ मेस ऐसे कहते हैं जो घर में खिलाते हैं, जैसे भैया भाभी हो गए, वो 12 बच्चों को खिला रहे हैं, वो सही खिलाते हैं। बाकी अगर देखा जाए जो बड़े नाम से, तो वो उतना अच्छा मेस नहीं खिलाते। और बाकी हॉस्टल हैं, अब जो हॉस्टल वाले बच्चे होते हैं वो फंस जाते हैं, उन्होंने साल भर का रिली रखा है, अब उन्हें खाना वही खाना है, अब वो सुबह दूध उबे देंगे, मतलब उनका सही डाइट रहता है लेकिन उनकी डाइट सही नहीं रहती है, खाना सही, खाने की क्वालिटी ख़राब रहती है। और खाने का बस यही है, बाकी बच्चे परेशान रहते हैं, हर हफ्ते तो उनका मेस चेंज करना पड़ता है, हर महीने। कंप्लेंट नहीं करते खाने की? भैया बढ़िया खाना करते हैं। कंप्लेंट करने पर वो ये बोलते हैं, बेटा तुमको ही प्रॉब्लम आ रही है, तुम मेस छोड़ दो, या तो ये बोलेंगे या तो वो बहस करने लगेंगे, कहेंगे हमारा ही खाना ख़राब है, हमारा ही खाना ख़राब है, दूसरे पे तुम्हें नहीं दिखता, या तो बहस करने लगेंगे या तो कहेंगे बेटा तुम्हें ही ख़राब लग रहा है। और मतलब उनकी सब्जी खाने लायक नहीं, सब्जी दाल कुछ भी खाने लायक नहीं होता, शिकायत करेंगे तो कहेंगे बेटा तुम्हें ही ख़राब लग रहा है और सबको नहीं ख़राब लग रहा है। आइए, आप इधर आइए, आइए। क्या नाम है आपका? प्रकाश। कौन सी क्लास में है? 11th। आप 11th में? कौन सी क्लास से कोचिंग कर रहे हैं? रेजिडेंसी। कौन सी क्लास, कौन सी, आप पहली साल है आपकी यहाँ? पहली साल है। 10th कहाँ से किया था आपने? 10th सर जालौर से। जालौर से, राजस्थान के रहने वाले हैं। अच्छा, जालौर में नहीं है कोचिंग वगैरह अच्छी? नहीं सर, जालौर में इतना नहीं है, पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है। कितनी परसेंटेज थी अभी 10th में? 71 सर। अच्छा, फिर उसके बाद आप यहाँ पे आ गए, ठीक है। क्या कैसा फील किया आपने 10th के बाद? एक बच्चा जो मेरे ख्याल में 6-7 से कोचिंग स्टार्ट होने लग गई है आजकल, है 6 से कोचिंग स्टार्ट होती है। आप 11th में यहाँ पे आए, एक बच्चा जो यहाँ पे 6 से कोचिंग कर रहा होगा तो वो ऑब्वियसली थोड़ा आगे होगा, कैसे कंप्लीट कर पाते हैं इन लोगों के साथ में जो पहले से पढ़ रहे हैं? क्या आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर आ जाता होगा टेस्ट में अगर कम नंबर आए तो, कैसे सब चीज़ों को फेस कर पाते हैं? सर पहली बार तो 2-3 महीने तो बहुत दिक्कत हुआ था सर। क्या क्या रहने वहने? कैसे दिक्कत हुआ था? सर खाने पीने का सही नहीं था और रहने में थोड़ा दिक्कत आ रहा था। कैसे दिक्कत? तो सोच रहे थे कि सर छोड़ के चले जाए। छोड़ के जाने की सोच रहे थे? क्यों छोड़ के जाने की सोच रहे थे? लेकिन सर रहने में ऐसा नहीं। घर वालों को बोला कि मैंने छोड़ के जाना? क्या बोले घर वाले? घर वाले बोले कि
थोड़ा दिक्कत के साथ रहना पड़ेगा। अच्छा सच बताना, मन है आगे कोचिंग करने का? हाँ सर मन है कोचिंग करने का, इसलिए रुके हुए। हाँ सर। अच्छा कोई परेशान करता है आप लोगों को, कैसे भी यहाँ का कोई लोकल या कोई गुंडा वाली क्या चीज? एक्चुअली क्या है, जैसे हर जगह जो अपनी एज के बच्चे हैं, कैमरे का फोकस, जैसे हम लोग की एज के बच्चे हैं तो अक्सर इनमें ये होता है कि मतलब मूवीज वूवीज देखकर मतलब गुंडे टाइप का बनने का, तो यहाँ के जो लोकल्स होते हैं अक्सर उनकी टीम मतलब वो गुंडे होते हैं, तो गली क्रिकेट विकेट खेलना, कोचिंग के बच्चे भी क्रिकेट खेलते रहते हैं, तो अक्सर क्या होता है अभी राजीव गांधी नगर और भी कई जगह हैं जहाँ पे चाकू अक्सर चल जाती हैं। कौन चला देता है चाकू? ये जो लोकल्स, अब जैसे उनकी गैंग होती है, उनके गैंग में एक तो बिहार टाइगर्स नाम का एक गैंग है यहाँ पे। अच्छा। हाँ उसमें मतलब काफ़ी अब कह सकते हैं गुंडे या जो भी है। उसके बाद यहाँ पे जैसे लोकल की गैंग्स होती है, तो अब जैसे बच्चे खेल रहे हैं मैच खेल रहे हैं तो मैच में ऑब्वियसली बात है लड़ाई भी हो सकती है, तो वो अक्सर चाकू चला देते हैं, मतलब चाकू उनके पास होती है चाकू मार देते हैं। एक बार तो हत्या भी हुई थी, स्टूडेंट ने स्टूडेंट की हत्या की थी, दोनों बाहर के रहने वाले और एक दूसरे की हत्या कर दी। बिहार का एक बंदा मारा गया था, क्रिकेट खेल रहे थे वो हार गया था तो उसने उसको मार दिया बदला लेने के लिए। हाँ बिहार का गुस्सा कहाँ से आ रहा है स्टूडेंट्स में कि क्रिकेट खेल? नए एज के बच्चे हैं, अब इनमें वही है पोटेंशियल ज़्यादा है, उसी को यूज़ करना होता है, अब वो लड़ाई में यूज़ कर लेते हैं। आई थिंक इसका जो रीज़न है, जो स्कूलिंग है उसको दबाया जा रहा है। स्कूलिंग इसीलिए होती है कि कोई भी कंट्री स्कूलिंग का उसका जो मोटो होता है कि वो अच्छे सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन प्रोड्यूस कर सके। यहाँ बच्चे 8 से लेके आ जाते हैं कोचिंग करने, तो उनके अंदर वो मैच्योरिटी डेवलप नहीं हो पाती, वो कैसे डेवलप कर पाएंगे? उनको बस रूम से आना है, कोचिंग जाना है, मतलब लोगों से इंट्रैक्शन ज़्यादा नहीं हो पाता। तो वही चीज़ है ना, स्कूलिंग नहीं है तो धीरे धीरे इससे इंडिया बढ़ नहीं रहा, लैग कर रहा है। केवल मतलब कि कुछ जो IIT में सिलेक्ट हो सकते हैं उन्हें बस रहने का राइट्स है, ऐसा तो नहीं बोल सकते, वो भी कुछ कर सकते हैं जो IIT में सिलेक्टेड नहीं होते हैं। तो धीरे धीरे वो टैलेंट इंडिया लैग कर रहा है। केवल स्कूलिंग ही नहीं, यहाँ पे पेरेंट्स भी नहीं होते, तो मेन कारण ये भी है बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब पेरेंट्स तो फ़ोन पे यही पूछेंगे ना, कहाँ हो क्या हो, देख तो रहे नहीं है कि आप क्या कर रहे हो एग्जैक्टली। तो मेन कारण यही है यहाँ पे जो ये गैंग्स वाला सीन है, मेन कारण यही है कि बच्चे बाहर रह रहे हैं घर से, इतना प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, यही गाइडेंस की कमी है। तो कोचिंग वाले भी तो देते होंगे ना इनके? दो एक वही है, किसी तालाब में एक गंदी मछली आएगी पूरे तालाब के को गंदा कर देगी, तो एक कोई बेकार लड़का आया तो वो गैंग बनाने में उसको कितना टाइम लगेगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके कोचिंग सेंटर्स वाले हैं वो आपको क्या हेल्प प्रोवाइड करते हैं, क्या वो कोई काउंसलिंग देते हैं ऐसी कि नंबर दिया जाता है कि आप अगर किसी इमरजेंसी में फंसे हो तो ये नंबर आप यूज़ कर सकते हो? अच्छा, कभी यूज किया किसी ने वो नंबर? नहीं, जरूरत नहीं पड़ी अभी तक ऐसे। केवल इमरजेंसी के लिए नहीं, गर्ल्स की गर्ल्स काउंसलिंग होती है ताकि गर्ल्स को अगर कोई कहीं भी दिक्कत हो तो वो कंसल्ट कर सके। बॉयज़ के लिए एक अलग से सेक्शन बना हुआ है रेजोनेंस में कि आप आके किसी भी अगर कोचिंग में या बाहर कोई भी दिक्कत है तो आप बात कर सकते हैं। बाकी हॉस्टल्स वाले हैं ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं। आप हॉस्टल के टीचर अच्छे होते हैं? यहाँ के टीचर बहुत अच्छे होते हैं। अब एक सिलेक्शन रेशियो की बात करें तो यहाँ पे लाखों स्टूडेंट तैयारी करते हैं, 1 लाख से ज़्यादा, हाँ 1 लाख, और उसमें से करीब 10-12 हज़ार लड़कों का सिलेक्शन हो पाता है IIT में, है ना? उसके IIT में 9-10 हज़ार, बाकी और सीटें NITs मिला के कुल मिला के 50,000 बच्चे, और फिर प्राइवेट कॉलेजेस का मिला के तो टोटल 16 लाख एप्लीकेंट्स होते हैं JEE में, उसमें से 10,000 IIT में सेलेक्ट होते हैं, बाकी अप्रॉक्स 50,000 मिला के IIT प्लस NIT और अच्छे कॉलेजेस मिला के 50,000 सेलेक्शंस होते हैं 16 लाख में से। 16 लाख में से 1 लाख मान लिए हमने, ठीक है, मोटा मोटी 1 लाख, बचे 15 लाख कहाँ गए? बचे 15 लाख प्राइवेट में गए, कोई BSc करने लगा, कोई BA करने लगा, कोई होम टाउन में किसी कॉलेज में करने लगे, कोई घूम रहे हैं, यही है। फीस हो जाते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, फीस कितनी होती है एक ऐसे कोचिंग सेंटर की, एक साल की कितनी फीस लेते हैं, और APG वगैरह कितना खर्चा पड़ जाता है? लगभग 10,000 रुपये पर मंथ पड़ जाता है PG का खर्चा, और अपना रहने खाने पीने का, और फीस अलग से लगती है 1,40,000। और हम जब स्टार्टिंग में आए थे मेरी 11th की फीस थी 1,20,000, 1,10,000, और फिर 12th की में 1,20,000 लगी थी, और इसमें तो मतलब जैसे मैं पुराना स्टूडेंट हो गया था तो 1,05,000 लगी थी, बाकी वरना 1,40,000 फीस थी। अच्छा, जैसे जैसे स्टूडेंट पुराना होता जाता है कोचिंग वाले फीस कम कर लेते हैं, बोझ कम लगे जिससे, ऐसा है? जैसे अब मेरे PG में एक भैया रहते थे, उनकी वो नीट से 6 साल से तैयारी कर रहे थे, 6 साल से 8-8 साल से लोग तैयारी कर रहे थे, तो उनकी अब की बार एडमिशन लिए वो 6,000 रुपये में सिर्फ फीस, 6,000 साल भर की पूरी फीस 6,000 कर दी।
कमाल है, ये बढ़िया बिजनेस है, फीस कम करते जाओ बच्चा रखा रहे। जैसे नीट में पहले चांसेस ज़्यादा मिलते थे तो वो बच्चे रिपीट रहते थे, और बाकी फीस का मोटा मोटा आइडिया कि 1,48,000 रुपये सबसे पहले जमा करते हैं, उसके बाद 10,000 रुपये पर मंथ मतलब अपन के खर्चा आता है, और हॉस्टल में जो रहते हैं उनका 13,000 मतलब उनका हॉस्टल का चार्ज है, बाकी उनका जो अपना खर्चा बच्चे को चाहिए होता है वो तो पेरेंट्स भेजते रहते हैं। और मतलब साल भर में 4-5 लाख रुपये का ही मोटा मोटी खर्चा आ जाता है। अच्छा, और यहाँ पे जो पुलिसिंग सिस्टम है वो कैसा है, अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती है तो अगर वो पुलिस को अप्रोच करे तो कैसा रहता है रेस्पॉन्स पुलिस का? सिस्टम अपन ने तो कोई फेस नहीं किया, लेकिन मैंने देखा है कि जहाँ एक्चुअली कहाँ कहीं आसपास कहीं केस होता है तो पुलिस आती है, तुरंत आती है, पुलिस का सिस्टम है। हाँ अच्छा है। और यहाँ पे जैसे गर्ल्स की सेफ्टी है कि मतलब रात को 10-11 बजे भी गर्ल्स बाहर होती हैं, ऐसा नहीं मतलब हॉस्टल तो ऐसे 10-11 बजे तक बंद हो जाते हैं, लेकिन जैसे कुछ हॉस्टल जैसे उनको इमरजेंसी पड़ गई तो अपन निकल सकते हैं बाहर, थोड़ी सेफ्टी है, सेफ्टी वाला कंसर्न ज़्यादा नहीं है, है ना? क्या कंट्रोल रहता है, रात के 12-1 बजे अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो पता चलता है कि ट्रैकर घूम रही है, ट्रैकर रहती है, पुलिस का मतलब कंट्रोल रहता है, रात में ऐसे बाइक लेके ऐसे घूम नहीं सकते, काफ़ी कंट्रोल रहता है उनका। रात में किसी पार्क में नहीं बैठ सकते, ऐसे ही पुलिस नहीं बैठने देती, वो सेफ्टी का इशू ले लेते हैं कि मतलब कि आप यहाँ कुछ गलत उससे भी बैठ सकते हो, इसलिए वो कहते हैं यार हॉस्टल में जाके बैठो। और ट्रैफिक पुलिस काफ़ी टाइट है, ट्रैफिकिंग बहुत अच्छी है यहाँ के पुलिस वगैरह, अगर बिना हेलमेट आप जाते हैं तो ऑब्वियसली पकड़ लेंगे आपको, चालान कट जाएगा आपका, कोई हाई स्पीड में नहीं जा सकता है क्योंकि बहुत सारे केस पहले हो चुके हैं हाई स्पीड वाले, हाई स्पीड से एक बच्चे की डेथ हो गई थी, तो बहुत सारा पुलिस ध्यान रख रही है, अब स्ट्रिक्टनेस बढ़ रही है। कोटा का सौंदर्य जो है यहाँ का बहुत अच्छा है और डेवलप हो रहा है कोटा कुल मिला करके, बट हाँ बच्चे लोग जो कोचिंग करते हैं यहाँ पर वो लोग फेस करते हैं कभी कभी कि उन लोग पे स्ट्रेस आ जाता है, तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो कोशिश करते हैं कि बच्चे स्ट्रेस फील ना करें, रेजोनेंस वगैरह एलएन है, बहुत सारी कोचिंग है, मोटिवेशनल लेक्चर्स मोटिवेशनल स्पीकर्स लाके इन लोगों को सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट कराए जाते हैं, तो कुल मिला के ठीक ठाक चल रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या हाल है, कोचिंग आते जाते कैसे हैं आप लोग? ऐसे तो जो दूर के होते हैं ऐसे ऑटो से चले आते हैं, वरना जो उसमें रहते हैं हॉस्टल में उनको वैन से वो अपना पहुँचाते हैं पूरा, हाँ हॉस्टल वाले पहुँचाते हैं, बाकी और जो पीजी में लेके रहते हैं वो अपनी सुविधा के लिए ऑटो करते हैं, पैदल आते हैं साइकिल से। ये कोटा में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे जो अपनी अलग अलग चीज़ें बता रहे थे, कुछ चीज़ें उन्होंने अच्छी बताई, सर यहाँ पुलिस की सुविधा अच्छी है, कुछ चीज़ों में दिक्कत बताई, जैसे खाने में बड़ी दिक्कतें हैं, खाना अच्छा नहीं देते हैं, कोचिंग में बताया कि टीचर अच्छे हैं, अच्छे से हेल्प करते हैं, एक कुछ ने बताया कि स्कूलिंग से ही अगर चीज़ें ठीक की जाएँ तो और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अब हम इनके जाने की कोशिश करेंगे, अगर कोई हॉस्टल वाले परमिट करते हैं उनसे देखने की कोशिश करेंगे कैसे खाना बनता है, कैसा एटमॉस्फेयर होता है, कैसे ये लोग रहते हैं, और उसके अलावा कोटा में जो भी पॉलिटिकल बातें चल रही हैं वो सब भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए द लल्लनटॉप के साथ में, बहुत बहुत शुक्रिया।